भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेजी अन्नर के बारे में बताना चाहूंगा। रेजी अन्नर 2010 से इंडिया में काम कर रही है और यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल 160 से ज्यादा गेम्स खेल के करोड़ों रुपए जीतते हुए नजर आ सकते हैं। ये 85 ब्रांचेस पे ऑपरेट होता है और यहाँ पे आपको 24/7 विड्रॉल मिल जाता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन की आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, तो नीचे कमेंट हुए पिन से यहाँ पे इनके टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर करें। सो भाई बिना वक्त गवाए चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस सबसे पहले आज की जो वीडियो रहने वाली वो चेन्नई के फैंस के लिए थोड़ी सी खुश होने वाली नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे चेन्नई के फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर निकल के आ रही है। क्योंकि अभी तक आज के डेट में भी मोइन अली का जो वीजा क्लियरेंस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। इंग्लैंड से यानी लंदन से जो फ्लाइट आती है इंडिया के लिए, मोइन अली की जो वीजा है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। और गाइस एक तरीके से ये खबर देखा जाए तो चेन्नई के फैंस के लिए थोड़ी सी दुखद हो सकती है, क्योंकि चेन्नई के सीईओ ने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि कैसे न कैसे करके आज के डेट में वीजा क्लियरेंस हो जाए, लेकिन आज भी नहीं हो पाया। और इसके बाद चेन्नई के सीईओ ने साफ कह दिया है कि मोइन अली पहला मुकाबला खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये इनके वीजा प्रॉब्लम पे ही पूरा डिपेंड करता है। लेकिन गाइस अब हम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो गाइस जो पहला मुकाबला है वो 26 तारीख को है और साथ में आज 21 तारीख का डेट बीत चुका है, यानी अगर कल भी मोइन अली का वीजा क्लियर होता है 22 तारीख को, तब भी इनकी फ्लाइट 23 तारीख को उड़ेगी, यानी इंडिया में आते आते कम से कम इन्हें 23 लेट नाइट तक ये पहुंचेंगे। उसके बाद 24 तारीख से इनका क्वारंटीन पीरियड स्टार्ट होगा और किसी भी हाल में ऐसा हो सकता है कि मोइन अली पहले मुकाबले में एंटर नहीं कर पाएंगे, मोइन अली पहले मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आ पाएंगे। ये कुछ चीजें मैं आपको साफ बता दे रहा हूं। लेकिन अगर मोइन अली नहीं खेल पाएंगे तो वो कौन से चार खिलाड़ी हैं जो कि इन्हें बेहतर तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में बताएंगे। अब पहला मुकाबला अगर मोइन अली नहीं भी खेलते हैं तो उसके बाद सभी मुकाबले खेलेंगे, तो यहाँ पे चेन्नई के फैंस उतना ज्यादा दुखी नहीं होने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले खिलाड़ी के नाम की जो कि मोइन अली की जगह लेता हुआ नजर आने वाला है, आ सकता है इस मुकाबले में, इनका नाम है प्रशांत सोनालिकी। हाँ गाइस प्रशांत सोनालिकी की बात किया जाए तो इस खिलाड़ी के अंदर भी काफी ज्यादा टैलेंट है, काफी ज्यादा यंगस्टर खिलाड़ी है, लेकिन मुंबई के विकेट को देखते हुए यहां पे स्पिनर्स को हो सकता है प्रशांत सोनालिका को स्टार्टिंग मुकाबले में धोनी ना खिलाए और यहाँ पे इन्हें पुणे के मुकाबले में या बाकी मैचेस में खिलाते हुए नजर आए। लेकिन गाइस अगर यहाँ पे प्रशांत सोनाली की मोइन अली नहीं खेलते हैं तो इनके जगह को यहाँ पे लाइट टू लाइट यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपर ऑर्डर में तब रॉबी उथप्पा चले जाएंगे और प्रशांत सोनाली की आपको नीचे में आके अच्छी खासी गेंदबाजी दे सकते हैं। इनका एक्शन काफी ज्यादा शानदार है, विकेट लेने में काफी ज्यादा ये माहिर है और यहाँ पे इनको यहाँ पे हेड टू हेड यहाँ पे पूरी तरीके से कंपेयर और पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। और गाइस ये पहले खिलाड़ी है जो कि इन्हें प्लेसमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं दूसरे खिलाड़ी के नाम की जो कि श्योर ऐसा हो सकता है कि ये खिलाड़ी मोइन अली को रिप्लेस कर जाए, इनका नाम है मिचेल फैक्टर। हाँ गाइस मिचेल फैक्टर को बात किया जाए तो इनकी भी वही यही खूबी है जो मोइन अली की थी। मिचेल फैक्टर आके अपर ऑर्डर या फिर लोअर ऑर्डर में आके बल्लेबाजी कर सकते हैं, अच्छे काफी शॉट्स खेल सकते हैं, भले ही मोइन अली जितना कैपेबिलिटी इनके अंदर नहीं है लेकिन वो काम ये करते हुए नजर आ सकते हैं। और साथ में गेंदबाजी इनका जो स्पिन है वो इनका मेन हथियार है, स्पिन से ये काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजों को बांध के रखते हैं। और मिचेल फैक्टर एकदम एक तरीके से समझिए कि इनकी परछाई है, मोइन अली की परछाई है, जहां पे मोइन अली की थोड़ी सी गेंदबाजी थोड़ा सा यहाँ पे फंगल करता है तो वहीं पे मिचेल फैक्टर की बल्लेबाजी थोड़ा सा फंगल करता है। तो यहाँ पे इन दोनों चीजों को मिक्स करके पूरी तरीके से चीजें रिप्लेस की जाती हैं और यहाँ पे ये दूसरे खिलाड़ी हैं जो कि इन्हें रिप्लेस करते हुए नजर आ सकते हैं। तो गाइस पहली बात करने वाला हूँ तीसरे खिलाड़ी के नाम की, लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आईपीएल खत्म होने तक हमारा जो छोटा सा रोड टू 50 के सब्सक्राइबर है उसे आपको कंप्लीट करवाना है। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आईपीएल खत्म होने तक हमारे 50 के सब्सक्राइबर हो जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग तीसरे खिलाड़ी के नाम की बात करते हैं और गाइस जो तीसरे नंबर पर जिस खिलाड़ी का नाम आता है उनका नाम है क्रिस जॉर्डन। हाँ क्रिस जॉर्डन का प्लेइंग 11 में खेल पाना मुझे थोड़ा लग रहा है, क्योंकि क्रिस जॉर्डन से पहले ऐसा हो सकता है कि एडम मिलने को मौका मिल जाए और एडम मिलने को अगर मौका मिलता है तो यहाँ पे क्रिस जॉर्डन बेंच पे बैठेंगे। लेकिन मोइन अली अगर नहीं खेलते हैं तो यहाँ पे क्रिस जॉर्डन इनको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, इनकी यहाँ पे जगह बन सकती है, क्योंकि क्रिस जॉर्डन एंड में आके अच्छी खासी यहाँ पे शॉट्स खेल सकते हैं और साथ में गेंदबाजी इनकी अच्छी खासी है ही, तो यहाँ पे इन्हें अच्छी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं और मोइन अली के एक बेटर रिप्लेसमेंट क्रिस जॉर्डन होते हुए नजर आ सकते हैं। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं चौथे खिलाड़ी के नाम की और गाइस इनका नाम है
महेश थिकसाना, हाँ गाइस महेश थिकसाना की बात किया जाए तो ये भी इन्हें अच्छी तरीके से रिप्लेस करते हुए नजर आ सकते हैं। ये भी इनके काफी अच्छे खासे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर है, इनके गेंदबाजी में काफी ज्यादा अच्छा मिस्ट्री यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा। और ऐसे खिलाड़ी को चेन्नई जरूर से शामिल करना चाहेगी, कम से कम अपने स्क्वाड में जरूर खिलाना चाहेगी। और ये घड़ी अब आ सकती है महेश थिकसाना को, अब चेन्नई खिला सकती है। अगर एक आध मुकाबले में देख लेते हैं मोइन अली अगर नहीं खेल पाते हैं तो इन्हें आसानी से प्लेइंग 11 में शामिल करके एक अच्छी काफी तरीके से इन्हें रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, बेहतर खिलाड़ी हो सकते हैं और आगे चल के देखना होगा। लेकिन गाइस यहां पे ये चौथे खिलाड़ी हैं जो कि पहले मुकाबले में मोइन अली को रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइस ये चार खिलाड़ी थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे टेलीग्राम को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मौजूद है, वहां पे हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि चेन्नई के प्रैक्टिस कैंप की वीडियो, लाइव वीडियो, पिक्चर, फुटेज, जो भी सब चीजें हैं वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहां पे भी आप जाके हमें जरूर से फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। ये थे वो चार खिलाड़ी जो कि आसानी से यहाँ पे मोइन अली को रिप्लेस कर सकते हैं पहले मुकाबले में, अगर मोइन अली का वीजा प्रॉब्लम क्लियर ना होता है। तो गाइस अगर कल यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है तो एकदम यहाँ पे मैं यहाँ पे एकदम टीचिंग बोल सकता हूँ कि ये मुकाबला पहला मुकाबला खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। तो गाइस ये थे चार खिलाड़ी, अब आप बताइए कि इन चार में से वो कौन सा खिलाड़ी है जो कि बेहतर तरीके से इन्हें रिप्लेस कर सकता है, आपकी जो हो रहा है कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, आप मिलेंगे अगले वीडियो और एनालिसिस के साथ।